क्या आप जानते हैं आखिर नर और नारायण कौन थे? नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा श्री। एक असुर था दंभोपदौ। उसने सूर्यदेव की बड़ी तपस्या की। सूर्यदेव जब प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का वरदान मांगा। सूर्यदेव ने कहा कि यह असंभव है। तब उसने मांगा कि उसे 1000 दिव्य कवचों की सुरक्षा मिले। इनमें से भी एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो, और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो। सूर्यदेव बड़े चिंतित हुए। वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस वरदान का दुरुपयोग करेगा, किंतु इसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे। उन्हें उसे यह वरदान देना ही पड़ा। इन कवचों से सुरक्षित होने के बाद वही हुआ जिसका सूर्यदेव को डर था। दंभोपदौ अपने सहस्र कवचों की शक्ति से अपने आप को अमर मानकर मनचाहे अत्याचार करने लगा। वह सहस्र कवच नाम से जाना जाने लगा। उधर सती जी के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र धर्म से किया। मूर्ति ने सहस्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्होंने श्री विष्णु से प्रार्थना की कि इसे खत्म करने के लिए वे स्वयं आए। विष्णु जी ने उसे आश्वासन दिया कि वे ऐसा करेंगे। समय क्रम में मूर्ति ने दो जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया जिनके नाम हुए नर और नारायण। दोनों दो शरीर में होते हुए भी एक थे। दो शरीरों में एक आत्मा विष्णु जी ने एक साथ दो शरीरों में नर और नारायण के रूप में अवतरण किया था। दोनों भाई बड़े हुए। एक बार दंभोद्भव इस वन पर चढ़ आया। तब उसने एक तेजस्वी मनुष्य को अपनी ओर आते देखा और भय का अनुभव किया। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद्ध करने आया हूँ। भय होते भी दंभोद्भव ने हंसकर कहा, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो? मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्षों तक तप किया हो। नर ने हंसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायण एक ही हैं। वह मेरे बदले तप कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद्ध कर रहा हूँ। युद्ध शुरू हुआ और सहस्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सच में नारायण के तप से नर की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। जैसे ही 1000 वर्ष का समय पूर्ण हुआ, नर ने सहस्र कवच का एक कवच तोड़ दिया। लेकिन सूर्य के वरदान के अनुसार जैसे ही कवच टूटा, नर मृत होकर गिर पड़े। सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही, किंतु यह तो मर गया। तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दौड़े आ रहा है और वह चकित हो गया। अभी तो उसके सामने ही तो नर की मृत्यु हुई थी और अभी यह जीवित होकर मेरी ओर कैसे दौड़ा आ रहा है? लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे, यह तो हूबहू नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायण थे जो दंभोपदौ की तरफ ही नहीं बल्कि अपने भाई नर की तरफ भी दौड़े हुए आ रहे थे। दंभोपदौ ने अट्टहास करते हुए नारायण से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझाना चाहिए था, इसने अपने प्राण व्यर्थ ही गंवा दिए। नारायण शांतिपूर्वक मुस्कुराए। उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमत्कारिक रूप से नर उठ बैठे। तब दंभोपदौ की समझ में आया कि 1000 वर्ष तक शिवजी की तपस्या करने से नारायण को महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है जिससे वे अपने भाई को पुनर्जीवित कर सकते हैं।
अब इस बार नारायण ने दंभोद्धव को ललकारा और नर तपस्या में बैठ गए। हजार साल के युद्ध और तपस्या के बाद फिर एक कवच टूटा और नारायण की मृत्यु हो गई। फिर नर ने आकर नारायण को पुनर्जीवित कर दिया और यह चक्र फिर से चलता रहा। इस तरह 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई युद्ध करता तो दूसरा तपस्या करता। हर बार पहले की मृत्यु पर दूसरा उसे पुनर्जीवित कर देता। जब 999 कवच टूट गए तो सहस्र कवच समझ गया कि अब मेरी मृत्यु हो जाएगी। तब वह युद्ध त्याग कर सूर्यलोक भागकर सूर्यदेव के शरणागत हो गया। नर और नारायण उसका पीछा करते करते वहां आए और सूर्यदेव से उसे सौंपने को कहा, किंतु अपने भक्त को सौंपने पर सूर्यदेव राजी नहीं हुए। तब नारायण ने अपने कमंडल से जल निकालकर सूर्यदेव को श्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्म फल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्म फल भोगने के लिए। इसके साथ ही त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर का प्रारंभ हुआ। समय बीता। कुंती जी ने अपने वरदान को जांचते हुए सूर्यदेव का आवाहन किया और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन यह आमतौर पर ज्ञात नहीं है कि कर्ण सिर्फ सूर्यपुत्र ही नहीं है, बल्कि उसके भीतर सूर्य और दंभोद्धव दोनों हैं। जैसे नर और नारायण में दो शरीर में एक आत्मा थी, इसी तरह कर्ण के शरीर में एक शरीर में दो आत्माओं का वास था, सूर्य और सहस्र कवच। दूसरी ओर नर और नारायण इस बार अर्जुन और कृष्ण के रूप में आए। कर्ण के भीतर जो सूर्य का अंश है वही उसे तेजस्वी वीर बनाता है, जबकि उसके भीतर दंभोद्धव भी होने से उसके कर्मफल उसे अनेकानेक अन्याय और अपमान के कारण बनते हैं और उसे द्रौपदी का अपमान और ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित भी करते हैं। यदि अर्जुन कर्ण का कवच तोड़ता तो तुरंत ही उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही छल से मांग लिए। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही धार्मिक और धर्म ग्रंथों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने, मंत्रों को जानने, कथाओं का श्रवण करने के लिए, उन्हें जानने सुनने और समझने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने बहुमूल्य कमेंट कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और हमें फॉलो करते रहें। धन्यवाद।